एवं गुरु पसनैक भक्त्या विद्या कुठरेन सितेन धीर बिब्रिश्च जीवा संयमयम अप्रमत्य संवृष्यात्मनम अथो तैज्यस्तम। श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं जे हम सब नुनाधिक मोर और लेस मायावाद विचार से हमारा हृदय दूषित है। गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताएं हम लोगों का हृदय मोर और लेस नुनाधिक थोड़ा सा मायावाद विचार के द्वारा दूषित होके परा हुआ है। मतलब समझा नहीं इसका, शिल सरस्वती ठाकुर जी ने बताएं मायावाद का बेसिक थिंग है, मूल विषय वस्तु है भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का स्वरूपों में अविश्वास करना। भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, भगवान का धाम, इन सब चीज़ों में नॉट टू बिलीव 100%, थोड़ा कमी रह जाए विश्वास उतना ही मायावाद स्पृष्ट होके हम दूषित होके पड़ा हुआ है। आज व्यास पूजा का तिथि है, मायावादी लोग बड़ा धूमधाम से व्यास पूजा उतारते हैं, बड़ा धूमधाम से, हमसे भी ज़्यादा। लेकिन इन लोगों का व्यास पूजा का जो वाहना है ये पूरा धोखाबाजी है। इसको धोखाबाजी बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु जी का नित्य स्वरूप में इन लोगों का विश्वास है नहीं। वो लोग गुरु ग्रहण करते हैं बट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। शंकराचार्य जी ने जो मायावाद का गुरु तत्व का विशेष बताया वो सुनने से हम लोगों में हंसी आता है। हो अनवगत स्वात, जिनका हृदय में ब्रह्म अनुभव हो गया वो तो गुरु का काम नहीं करेगा, तो किसको गुरु माना जाए जो अभी ब्रह्म अनुभव नहीं किया। अनवगत स्वात। और गौड़ीय दर्शन में, वैष्णव दर्शन में गुरु पूजा का जो विषय है ये नित्य है। इसमें जो गुरु जी का पूजन करे और गुरु जी और गुरु जी का पूजन, तीनों एक अप्राकृत भूमिका पे है। गुरु पूजन, गुरु जी और जो गुरु जी को पूजा करे वो नित्य एक भूमिका में रहना चाहिए। जब तक हम उस अवस्था में ना पहुँचे तब तक गुरु पूजा संभव नहीं होती, असंभव है। आपने सुने होंगे वेदांत सूत्र में आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भागवत में आता है अथो तो तत्व जिज्ञासा, जीवो स तत्व जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और अथा तो शब्द जिज्ञासा ऑल द सेम, नॉट सेम, वन एंड द सेम। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो शब्द जिज्ञासा, सारे जो शब्द है सारे एक हैं। किस लिए वेदांतों का ये चर्चा उठाया हमने? पहला बात तो ये है गुरु पूजन का पहले गुरु जी का जो वाणी स्वरूप का अनुभव होनी चाहिए। गुरु जी का वाणी स्वरूप का अगर अनुभव ना होए तो सारे बेकार।
हमारा गुरु पूजन में आना कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं रखता। जब गुरुजी का वाणी स्वरूप का अनुभव हो जाए तब गुरु पूजन होता है, नहीं तो संभव नहीं है। गुरु पूजा में विशेष उपकरण है गुरुजी का वाणी का वैभव, गुरुजी का अर्चन में गुरुजी का आरती करने जाए, गुरु का पुष्पांजलि देने जाए, उसमें गुरुजी का वाणी वैभव उपकरण में आता है, नहीं तो हो नहीं पाता। एवं गुरु उपासनेक भक्त्या, उपासना शब्दों का अर्थ हो, इधर सब बड़े बड़े बैठे हैं संत महात्मा, उपासना का अर्थ है उपासना, उप मतलब गुरु जी का समीप में बैठना, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। उपनिषद के जो बात है गुरु जी का सामने आना, गुरु जी का सामने बैठना, और गुरु जी उपनयन के द्वारा उपनयति इति उपनयन, भागवत तत्व का सामने गुरु जी हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, बैठा देते हैं, इधर बैठ जा। यहां एक बात आता है, उपासना मतलब भगवान का सामने बैठना, इसका मतलब है टू फेस दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो गुरु जी का सामने आने का हिम्मत करे, सदगुरु का सामने ध्यान से सुन ले, उसको ये विचार होना चाहिए, अंदर में इतना हिम्मत होना चाहिए, जे गुरु जी का सामने होना मतलब टू फेस द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अप्राकृत जगत का जो परम सत्य वस्तु है एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसका सामना आमना सामने करना असंभव है। हमारा अंदर में कोई कपट भाव रहे, जरा सा भी कोई मायावाद का स्पर्श रहे, अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा का बड़ा विषय होश रहे, उसमें गुरु पूजन बोल के जो वस्तु है वो है वो हो नहीं पाता, बिल्कुल संभव नहीं। भागवत जी महापुराण में परीक्षित महाराज का सामने परमहंस श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी जी का ये प्रवचन है, ये क्वेश्चन पहले हमारा हृदय में उदित होनी चाहिए। इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन, व्हाई नॉट कमिंग इनसाइड मी, दैट इज द वाइटल क्वेश्चन। ये प्रश्न हमारा अंदर में क्यों नहीं पैदा हो रहा है, जब मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा मकसद क्या है, जो सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न किए हैं, आप लोग जानते हैं चैतन्य चरितामृत में, के आमे कहने मोरे जारे तपत्राइए, ये जो प्रश्न है, और सुखदेव गोस्वामी का सामने परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है वो एक ही है, उसमें अलग कुछ नहीं। अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्य यत्कार्यम म्रियमानस सर्वथा, अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्य यत्कार्यम म्रियमानस सर्वथा। जब हमको जानकारी है एनी मोमेंट आई एम गोइंग टू डाई, किसी समय मर जाए, निश्चा से नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति कीर्तनीयत बाल्याद हरे नाम ही केवल। इस जब अवस्था है, जब अब क्रिटिकल अवस्था जीवों का अंदर में पैदा होता है तब रोता है, सारे बदमाशी बंद हो जाएगा, सारे पॉलिटिक्स सारे बदमाशी सारे बंद हो जाएगा। अगर अनुभव में आए मौत बोल के जो कुछ चीज है, मौत बोल के जो चीज है अगर डायरेक्ट अनुभव में आ जाए तो उसी वक्त जितना बदमाशी हरकतें बंद हो जाएगा, और कोई नहीं पॉलिटिक्स करना चाहेगा, धूम मचा के कर रहा है मजा।
सुखदेव गोस्वामी जी ने सुंदर उत्तर दिए, तुम्हारा काम क्या है राजन, तुम्हारा मकसद क्या है, अल्टीमेट तुम चरम मंगल को कैसे प्राप्त कर सकोगे, क्या पद्धति है। उसका उत्तर गुरुजी परमहंस गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी ने दे दिए। यह सुनने वाला चीज है, याद रखने वाला, अनंत काल, क्योंकि जीव राशि वह अनंत है, अनंत काल रहे जगत में, भगवत तत्व भी अनंत है, मामयु अंश जीव लोके जीव उदय, ये भी इसको लेके भी हंगामा मचा दिया हरिद्वार में, इधर ही महाराज यही भगवान का अंश है, और भगवान का अंश क्या है, पहले तो समझो भगवत अंश हो तुम, लेकिन कैसे, भगवान का तो कोई काउंटर पार्ट हो नहीं सकता। जो लोग वेदांति है बैठता है इधर बैठ के चर्चा करे वो जाने, जो भगवत तत्व विज्ञान जानता है भगवान का कोई काउंटर पार्ट हो नहीं सकता, भगवान को पीस पीस करके जीवात्मा हुआ नहीं तो कैसे, भगवान कैसे बोल दिया मम वंश जीव लोपे जीव भूत सनातना। वेदांत में यह सूत्र है, शक्ति शक्ति मतोर अभेद, शक्तिमान और शक्ति में अभिन्न माना गया, माना गया ना ये 100% परफेक्ट, जो शक्ति है शक्तिमान है, जो भागवत महिमा का कीर्तन स्कंद पुराण में सौ एवो सा जो राधा रानी वही कृष्ण है, वाला कुछ नहीं है। यहां एक उत्तर आता है, जो देखो ये अनंत जीव राशि जो है अब जो है वो सब है ततस्था शक्ति का अंश, ततस्था शक्ति है अंश नहीं, अर्थात भगवान, भगवान का जो शक्ति है जीव शक्ति चिप शक्ति और माया शक्ति ये अंश में आता है, रे लाइट रे भगवान का अंश है, इसका मतलब भगवान का शक्ति का अंश है, डायरेक्ट नहीं, भगवान का काउंटर पार्ट नहीं होता। भगवान का धाम में एक धूलिकण हो वो भी पूर्ण है, ये इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड एक तरफ रख जाए और गोलोक धाम का एक धूलिकण को एक जगह रख जाए, इसका बहुत वैल्यूएशन, एक धूलिकण का वैल्यूएशन बहुत हाई, क्योंकि ये पॉजिटिव है और तुम्हारा ये मेटेरियल जो नेगेटिव है, मैथमेटिक्स जो किया है जीरो को मिडिल में रख में जितना डाइनी तरफ बढ़ाते चलो 1 2 3 4 द हायर द इंटीजर इज द हायर द वैल्यूएशन, और बाया तरफ चलो नेगेटिव तो जितना नेगेटिव -1 -2 -3 -4 करते चलो द हायर द वैल्यूएशन द लोअर हायर द इंटीजर द लोअर द वैल्यूएशन, ऐसा विषय है। ये सब हमारा अपना विचार नहीं, सला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का विचार है। तो वेदांत में ये सब चीज बड़ा सुंदर, जीवों का कैसे भ्रम हो रहा है, कैसे जीव फंस गया है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया। और गुरु जी का काम ही है गुरु तत्व अनुभव नहीं करने से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं जब तक यू कैन नॉट रियलाइज भगवत तत्व 100%, भगवत तत्व विज्ञान आत्मतत्व गुरु तत्व जब तक अनुभव नहीं आए तब तक हरिभजन एक्चुअल शुरू नहीं होता, सब दुखी हो जाएगा। ये बात सुनते ही सारे दुखी हो जाएगा, प्रभुपाद जी ने बताए जब तक गुरु तत्व का अनुभव ना हो जाए 100% तब तक हरिभजन वास्तविक शुरू नहीं हो पाता। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज का क्या करना है, व्हाट इज योर ड्यूटी, अब कैसे जब प्रश्न किया उसका उत्तर क्या है वो रखा दिया। भागवत जी महापुराण में है, सारी जगह भगवत प्रवचन चलता है, वो आप समझे कि नहीं आप जाने, शास्त्रों में बताया गया। तो भागवत तत्व सुनना है, गुरु तत्व सुनना है, जिसका गुरुत्व आया है, जो हर वस्तु में गुरुत्व अनुभव करता है, जो गुरु सेवक है ही हिमसेल्फ गुरु, लघु रह के गुरु सेवा संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स माफिक, जब तक लघु रह जाए तब तक वो गुरु सेवा नहीं कर पाएगा, एक प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। एतद् निवृत्तमानानं मिच्छताम् अकुतो भयम्
योगी नाम निपुनिर्नितम हरिर्नामानुकीर्तनम। परीक्षित महाराज जी के सामने सुखदेव गोस्वामी ये उत्तर दिए, एतत् निवृत्तमानानम इच्छमिच्छताम अकुतो भयम्। तुम फियरलेस होना चाहते हो, निडर होना चाहते हो, किसी भी हालत से हो नहीं पाओगे, किसी भी हालत से न संभव, कभी भी निडर हो नहीं पाओगे, फियरलेस हो नहीं पाओगे, जब तक सदगुरु चरण में लगन ना लग जाए, सदगुरु का पूर्ण कृपा। जितना भी मुखस्थ कर लो शास्त्रों, तमाम दुनिया का शास्त्रों, यू कैन रिसाइड इन फ्रंट ऑफ होल पब्लिक एंड गेट क्लैपिंग एंड मनी डॉलर्स, बट स्टिल देयर इज नो सोल्यूशन। एकमात्र गुरु कृपा पूर्ण होने से ये शास्त्रों का जो प्रवचन है, जो अनुभव है, ये हजम हो पाएगा, नहीं तो इनडाइजेशन बीमार हो जाएगा। जितना सारे शास्त्र मुखस्थ करोगे अपना अनुभव में नहीं है, ही कैन पास नाइस लेक्चर। अब शास्त्रों का प्रवचन है, देखो उपदेशम करोत्येव न परीक्षाम करोत्यो, उपदेशम करोत्येव न परीक्षाम करोत्यो अपरीक्ष उपदेष्टम यत जगन्नाशाय तद भवेत। जो उपदेश तुम खुद कर रहे हो, तुम्हारा खुद का जिंदगी में पालन करके देखा है कि नहीं, इफ नॉट टेस्टेड, तुम अगर भाषण दोगे जो सुनेगा सारे मरेगा। पोपा जी ने देखा है, जो भक्ति न्याय रही तम अन्न ये न श्रृणोती, जो बहुत सारे विचार है, कौन सुनने वाला है, टाइम ही नहीं है तुम्हारा पास। ये गुरु तत्व तत्व विज्ञान बोलने वाला भी नहीं है जगत में, और सुनने वाला तो है ही नहीं। शास्त्रों में बताया, हमारा बात नहीं है। आश्चर्य स्वक्ता कुशल लब्ध्या शिल भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी ने, गुरु जी ने 102-150 साल पूरा तमाम दुनिया के कृपा करने की कोशिश किए, हम जैसा जानवर कृपा नहीं ले सके। कृपा करना चाह, बार बार बुलाया, सामने आए, कृपा करना चाह, लेकिन कृपा ले नहीं पाए। सुखदेव गोस्वामी जी का उत्तर है, राजन अगर तुम निडर होना चाहते हो तो एक ही रास्ता, वन एंड अ सिंगल वे। वो क्या रास्ता है? एतद् निवृत्तमानानम इच्छतम इच्छताम अकुतो भयम्, योगी नाम निपो निर्णितम हरे नामानुके। तो हरिनाम संकीर्तन करो, हरिनाम तुमको कहां से मिलेगा? गुरु जी से मिलेगा। जब से शुरू किया है हमारा हरिकथा का चेष्टा, पुष्पांजलि है, हरिकथा नहीं है, हरिकथा बोलने का हमारा अधिकार भी नहीं है। लेकिन एक बात मैंने गलती कर दिया, मैंने बार बार बोला मेरा गुरुजी, मेरा गुरुजी, मेरा गुरुजी, बोलने का अधिकार ही हमारा नहीं। मेरा गुरुजी ये बोलने का अधिकार हमारा कौन दिया? जब तक गुरुजी को हमने हृदय में अवरुद्ध करके रखने का जो प्रयास किया वो कामयाब नहीं हो पाए। गुरुजी का जो सेवा डेडिकेशन, मेरा जो डेडिकेशन है, कुछ नहीं है मेरा अंदर में, कुछ नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरा गुरुजी ये बोलने का तो अधिकार है ही नहीं। फिर भी वो ऐसा हमको बोलने का अधिकार दिया, तभी बोल रहा हूं। अब क्या करें, उपाय भी नहीं। एक सत्शिष्य का मतलब, सदगुरु का मतलब पोपा जी ने बताया, सदगुरु मतलब बाजार में पागलपंथी चल रहा है, चारों ओर दे आर लाइक मैड स्पीकिंग, गुरुजी सदगुरु 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 हर जगह। लेकिन सदगुरु का अर्थ प्रभुपाद जी ने बताया, परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज, ये महाजन लोगों का सुनो, क्या पागल का मापिक बाजार में जा रहे हो, उल्लू का मापिक। महाजनों का बात सुनो, बोले देखो सदगुरु का मतलब जिसका इटर्नल एग्जिस्टेंस है अनित्य जगत में, जिसका कोई इटर्नल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो कैसे सदगुरु बन गया? सदगुरु नहीं है, सदगुरु शब्द हर जगह प्रयोग नहीं हो पाता। आ सत्शिष्य का मतलब सुन लो, सत्शिष्य भोपाल जी ने बताए, सत्शिष्य का मतलब है जो गुरु सेवा करते करते गुरुदेव आत्मा हो गया, गुरु जी का जो है हृदय उसका साथ एकदम टोटली डिवोटेड हो गया पूरा, नहीं तो हो नहीं पाता। बहुत सुंदर विशेष विशेष बात यह है
जब गुरु जी का प्रभुपाद जी ने बताए भागवत का ये बात है, स्निग्ध शिष्य गुरु वो गुज्जम अपी हो, तो अगर हम स्निग्ध शिष्य हो पाते गुरु जी तत्व विज्ञान का गुप्त से गुप्त रहस्य हमारा बात उन्मोचन कर देने के लिए तैयार थे, लेकिन कर नहीं पाए, किसलिए हम, हमारा अंदर में पक्का कुछ नहीं है, कपट है हम। प्रभुपाद जी ने इसका व्याख्या की, देखो स्निग्ध शिष्य गुरु वो गुज्जम अपी हो, तो गुप्त से गुप्त भयन का रहस्य जो है यो गुरु जी अपना सत शिष्यों के सामने, स्निग्ध शिष्यों के सामने सारे पर्दा खोल दे, देख हमारा हृदय में कैसा है। जैसे श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी ईश्वर पुरीपाद के सामने अपना दिल का जो खजाना है, अपना दिल का जो खजाना है सारे भरपूर छोड़ दिया, हृदय में दे दिया, पूरा ले ले, तू ही का अधिकार है। पोपा जी ने बताया थोड़ा साइंटिफिक सिम्टम है, कैसे समझोगे स्निग्ध शिष्य, क्योंकि अंग्रेजी में जो सोबर है दैट टर्म इज टोटली इन एप्लीकेबल हियर, फिलोसॉफी ये शब्द भी हमारा दर्शन के साथ टैली नहीं करता, बट स्टिल वी आर यूजिंग दिस टर्म, व्हाट टू डू। यहां जो शब्द है स्निग्ध, प्रभुपाद जी इसका व्याख्या किए, स्निग्ध मतलब है जिसका अंदर में बिल्कुल कामना वासना का बिल्कुल गंदगी नहीं, कामना वासना दूर की बहन, नो स्मेल ऑफ एनी, ही इज स्पीकिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ, मे बी यू आर गोइंग टू किल हिम, स्टिल ही इज गोइंग, इफ द होल वर्ल्ड गोइंग अगेंस्ट मी स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई वर्ड, यू विल हैव टू हियर दिस वर्ड, दिस इज कॉल हरि कथा, तुमको सुननी पड़ेगी, नहीं तो बाजार में जाओ, वेश्या का सामने जाओ, मारा सामने आने का दरकार नहीं। पोपा जी ने बताए जिसका अंदर में कोई स्मेल नहीं है प्रतिष्ठा का, और जो जिसका सिद्धांत हो, गुरु जी का सिद्धांत हो, गुरु जी का विचार, गुरु जी का आचरण, गुरु जी का रहन सहन, अब आप बोलोगे पोपात का रहन सहन गौर के तो मिला नहीं, ये तो बुद्धू का बात है। कोई आदमी बोलता है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का वैराग्य और भक्ति विनोद ठाकुर का वैराग्य में थोड़ा अंतर है, कैसा, वो ऐश्वर्य मार्ग में वैराग्य किया है दिखाया, और ये पोपा जी ने पूरा पूरा गलत है गुरुवार को बोला, दोनों का अंदर का वैराग्य सेम, कोई पार्थक्य नहीं है। आज पुष्पांजलि का वारी आया, इसका मतलब ये है कि हम आसपूछन पुष्पांजलि देने के लिए आए, नहीं, एक सत्शिष्य का हृदय में गुरु जी का पुष्पांजलि ऑल द टाइम, आरती एंड पुष्पांजलि गोइंग ऑल द टाइम, ही कैन नॉट चेंज अ सिद्धांत ऑफ गुरुदेव, इफ यू फाइंड सम गुरुदेव चेंजिंग हिज गुरुदेव सिद्धि, हिज गुरुदेव सिद्धांत, बी श्योर ही इज नॉट सद्गुरु, व्हाट टू स्पीक मोर, टाइम इज वेरी लिमिटेड, आई एम बाउंड टू स्टॉप हियर, आई एम सो मेनी स्पीकर हियर, तो एवं गुरु पशुनैक भक्त्या विद्या कुठरेन सितेन धीर बिभ्रिश्च जीवा संयमयम अप्रमत्तो संविश्च आत्मनम अथो त्याज्यस्तम वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतितानं पावन भवेश्वरेभ्यो नमो नमः।